देखो देखो यहाँ यहाँ ठंड ठंड है। है। गुड मॉर्निंग हो गई है, 10 बज गई है, लेकिन ठंड है। हाँ उठने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, क्योंकि ठंड है। कल मैं एक बात बताना भूल गई, मैंने अपने भाई का फोन तोड़ दिया था गिम्बल पे लगा के, और ये तो मेरे क्या से था? बोल रहा है कि मुझे 1.5 लाख रुपए दे दियो। अब मैं कहाँ जाऊँ? घर जाके मुझे 1.5 लाख इकट्ठे करने पड़ेंगे, फिर इसको देने पड़ेंगे। चला नहीं इसका फोन? फोन तो चल रहा है पर स्क्रीन टूट गई थोड़ी सी, ओह मैं क्या कर सकती हूँ, हो गया तो हो तो गया। क्या, आप क्या कर सकते हैं? हाँ अब उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। हम लोग सोच रहे हैं फिर से सो जाए, हाँ पर 12 बजे का चेकआउट है। मेरी मम्मी की वीडियो शुरू हो गई है, सुबह हो चुकी है। ये मेरी मम्मी, क्या करूं, तुम सो रहे हो तो मैं सिर मार दीवार में। थोड़ा सा अंधेरा आ रहा है क्योंकि लाइट बंद लाइटें है बंद अभी। है, हमारी हाँ शैतान सो रही है अभी, हाँ इसीलिए हम जला लाइटें नहीं बंद है हमारी। सकते। हम लोग बस रेडी होके लक्ष्मण झूला जाने वाले हैं। मैंने लक्ष्मण झूला की एक कहानी सुनी है, मतलब पता नहीं सच्ची है झूठी है, कि लक्ष्मण जी ने ऐसे 2 रस्सियों से ऐसे पार किया था, तो उस ब्रेव एक्ट के लिए उसको लक्ष्मण झूला कहा जाता है। बाकी मेरी मम्मी तो बोल रही थी, क्या बोल रहे थे, क्यों रखा क्यों गया नाम? मम्मी बोल रहे थे एक झूले में राम जी सोए थे, एक झूले में लक्ष्मण दोनों की जी। रस्सियां बांट के तभी वो राम झूला बना। हाँ तो बस इसलिए उसको लक्ष्मण झूला कहते हैं। तो जिसको पता वो बता देना क्यों कहते हैं, हमें नहीं पता। अभी हम लोग रेडी वेडी होते हैं, फिर देखते कहाँ जाते हैं। बाय। चलो लाइट भी जल गई और मैं भी रेडी हो गई हूँ, यहाँ पर पैकिंग चल रही है। हम जा रहे हैं घूमने, कहाँ जा रहे हैं ये नहीं बता, लक्ष्मण हम अभी राम, झूला। हाँ लक्ष्मण झूला जा रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे हरिद्वार, और बस फिर फिर घर, क्या बोलते हैं, लौट के बुद्धू घर को आए। घर को आए। बाय बाय टू दिस ब्यूटीफुल रूम, हम जा रहे हैं। चलो चलो भागो, बाहर से आवाज आ रही है, जल्दी जाना पड़ेगा नहीं तो हमको डांट पड़ेगी। चैरी चैरी, लिफ्ट से जाएंगे, लिफ्ट से क्या है? मजा आ रहा है फिश को देख के। घर में भी रखवाएंगे, घर में एक्वेरियम रखवा लियो, खाना डालती रहियो ठीक है। आपको हम होटल खाली कर रहे हैं और ये विश्राम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं फोटो सेशन चल रहा है, सॉरी मैंने गलत बोला। चलो मैं फोटो ही खिंचवा लूँ। होटल खाली करने से पहले फोटो शूट हो जाए। यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह है। ये हमारी आंटी है, हमारे साथ आई है। ओके यहाँ पे है बुद्धा, इसके साथ हम फोटो खींच सकते हैं। और तो कुछ नहीं यहाँ पे, और कुछ है? ये अंकल भी हमारे साथ जो आए मम्मी मुझे टमके मार रही है, मस्त बारिश हो रही है, मस्त मौसम हो रहा है, बट मास ने जान ले रखी है। मतलब मास्क तो जरूरी है, हर चौक पे पुलिस वाले हैं, मास्क पहन के रखो भाई, नहीं तो चालान काट लेंगे 5,000 का। ऐसे मौसम बड़ा मस्त हो रहा है बारिश वाला। अभी हम लोग पैदल पैदल जा रहे हैं बिकॉज वहाँ पे पार्किंग नहीं है। हमने होटल में ही पार्क करके हम लोग लक्ष्मण झूला की तरफ बढ़ रहे हैं, और सामने का देखो तो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत मजा, बहुत मजा आ रहा है। इनको तो हर जगह मजा आ रहा है, बोल रहे हैं मैं पहली बार आई हूँ। इसको देखो, इसको गोदी में चलना है, इसको पैदल नहीं चलना, मेरे को थका देती है ये लड़की। साथ में मुझे भी, ये कहते कि चल थोड़ा तू थोड़ा मैं थोड़ा, अभी बोलेगी आओ लगे। ये इसका मेन स्टेप है, ऐसा जब भी लगे तो आओ चली आओ करियो आओ आओ, ये इसको लग जाए तो इसका आओ अपने अपने कहलाते आओ। मस्त।
तो फिर वो आगे नहीं बढ़ते हैं। बोल रहे हैं सामान देते जाओ, चीज देते जाओ, हम आगे बढ़ते जाएंगे। इतना लंबा रास्ता है, कैसे तय होगा पता नहीं। खोल दो। कल की तरह चलना 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 नहीं, बट ये अच्छा है कि सीढ़ियां नहीं है, बहुत अच्छा है। बारिश तेज हो गई है और हम लोग भीगते भीगते पहुंच रहे हैं लक्ष्मण झूला। ये देख रहे हो कितनी तेज बारिश है। ये रास्ता भी थोड़ा सा ऐसा ही है बस, क्योंकि हम लोग शॉर्टकट लेके आए हैं। पता नहीं कितनी देर लगने वाली है। इतनी तेज बारिश में भीगते हुए, ठंडा ठंडा मौसम, ऊपर से बच्चे साथ में, खतरनाक रास्ते, फिसलना, गोद में बच्चा, ऐसे रास्तों से जाना कितना मुश्किल लग रहा है। आई डोंट नो कितना टाइम लग रहा है। फाइनली एक पड़ाव पार, इतनी सारी सीढ़ियाँ तय करके हम लोग प्लेन रास्ते पे आ गए हैं। मम्मी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो अब वो बहुत ज़्यादा खुश है कि चलो प्लेन रास्ता तो आया। पता नहीं कितनी दूर है अभी, पर व्यू देख के थोड़ा सा दिल खुश हो जा रहा है। सामने कैमरा में नजर नहीं आता, बट बहुत अच्छा लग रहा है। बारिश, सामने पहाड़, ऐसी लाइफ, मज़ा ही आ जाए। सारी की जिद कह रही है मैं खुद चलूंगी, मुझे कोई ना पकड़े मेन रोड पे। नाले नाले ये नाले पानी नाले ना के नहीं आई ना आज, बस फ्रूटी पीनी है, चिप्स खाना है, रोड पे अपना बिना हाथ पकड़े चलना है। देख लो बच्चों के साथ आने का हाल क्या करे फिर, बच्चे घर में और क्या, छोड़ क्या हो घर में, बच्चों का सामान उठा के जाना, मम्मी को भी दिक्कत हो रही है। लक्ष्मण झूला पे कितनी ज्यादा भीड़ है, कोरोना काल और भीड़। ये हिलता भी है मैंने सुना है, मैं इस पे बोट पता नहीं कब आई थी, पहली बार आए हो आप? अरे ये तो दूसरा लग रहा है, कहाँ हिल रहा है? हाँ हिल रहा है, मिडल में जाते जाओगे हिलता जाए। ये झूला हिल रहा है भाई साहब, मुझे तो बहुत चक्कर आ रहे हैं इस लक्ष्मण झूला पे, ऐसे 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 हिल रहा है मतलब फील हो रहा है ऐसे वाइब्रेशन टाइप। मैं बचपन में आई थी शायद इस लक्ष्मण झूला पे, अभी बहुत टाइम बाद आई हूँ और अभी ये बहुत ज़्यादा मजबूत बन गया है। पहले तो बहुत ही कच्चा सा था, अभी ठीक है, मजबूत है और यहाँ से व्यू भी अच्छा है। पहले इतना नहीं होता था, अभी ग्लोबल वार्मिंग, वेदर चेंज, सब कुछ चल रहा है, बट जो भी है देखिए। अच्छा देखने में अच्छा लग रहा है, ये मंदिर है यहाँ पे पीछे। हाँ जल्दी से पहुँचते हैं, मुझे यहाँ पे लक्ष्मण झूला के ऊपर बहुत चक्कर आ रहे हैं, हालत बुरी। पहुँच गए हम लोग खुफिया रास्ते से लक्की कैफे। यहाँ से गंगा नदी दिख रही है जिसका बहाव बहुत ही तेज है, हमेशा ही होता है, पानी भी बहुत ठंडा होता है। नहाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा ठंडे पानी में। सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं, जहाँ भी जाओ सीढ़ियाँ हैं। पहुँचते हैं लक्की कैफे। इतना खतरनाक रास्ता तय करने के बाद अगर ऐसा व्यू मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। ये गंगा नदी के किनारे कैफे अभी बना है, शायद हम लोग पहले आए थे तो नहीं था। मतलब क्या व्यू है यहाँ से, ये है गंगा नदी और ये कैफे। जो भी है यहाँ पे जरूर आना, व्यू बहुत अच्छा है। वीडियो बना रहे हो?
और हम लोग फोटोज खींच के अपना गुजारा कर रहे हैं। मतलब व्यू इतना अच्छा है, ऐसा लग रहा है चलो खाना नहीं भी मिलेगा। बारिश में भीग के आए हैं, ठंड लग रही है, बट व्यू इतना अच्छा है, फोटोज इतनी अच्छी आ रही है, तो कह रहे चलो ठीक है जो भी है सब अच्छा है। करने के आते हैं वेकेशन पे फोटोज की, यादें आती हैं बाद में फोटोज देखने, तो हम कहते हाँ हम यहाँ गए थे, इतनी अच्छी फोटो आई है, ऐसा सोचते हैं ना। इनको तो वैसे भी बहुत शौक है, मेरे को लेके आए हैं, मैं फोटोग्राफर हूँ, मैं इनकी फोटोज खींचती हूँ। मुझे डांट पड़ती है इनसे क्योंकि मैं फोटो इनकी अच्छी नहीं खींच पाती। सिखाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सिखा दूंगी। यहाँ पे व्यू देख सकते कितना अच्छा है, साथ में गंगा, यहाँ पे कैफे, बस कुछ लोग स्मोक कर रहे हैं, वो थोड़ा हम लोग नहीं करते हैं, तो हमें थोड़ा सा लग रहा है जो लोग करते हैं उनके लिए ठीक है। तो हम लोग अभी वेट कर रहे हैं खाने का, फिर हम लोग जाएंगे हरिद्वार। अभी हम लोग ऋषिकेश में, अभी हम अमेजिंग फूड विद अमेजिंग व्यू, मज़ा ही आ जाए। सब ने ऑर्डर कर दिया है, चेरी कह रही है मैंने ऑर्डर नहीं किया है। चलो क्या मंगवाना चेरी, ये क्या मंगवाना है, क्या मंगवाना बेटा। बाय बाय टू दिस अमेजिंग व्यू, मतलब व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो अपना घर से खाना खा के आओ, जिसको भी व्यू के मजे लेने वो यहाँ पे आ सकता है। लक्ष्मण झूला से मुड़ते ही राइट साइड पे है, थोड़ा नीचे आना पड़ेगा स्टेयर से। बाकी अभी हम लोग राम झूला जा रहे हैं, लक्ष्मण झूला देख लिया है, मैं बहुत टाइम बाद आई थी तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। राम झूला जाके देखते हैं कैसा है, इनको सारी चीज़ें अच्छी लग रही है तो इनसे ज़्यादा नहीं पूछते हैं, चलते हैं राम झूला। मम्मी आरती कैसी लगी बताओ, उसकी मंजूरी के बिना कुछ नहीं होता, क्या बताओगी। मेरी मम्मी को आरती अटेंड करनी थी पर लॉकडाउन की वजह से आरती नहीं हो रही है यहाँ पे। भाभी ने शॉपिंग शुरू कर दी है, मसाजर ले लिया, घर जाके देखते हैं कितना फ़र्क पड़ता है मसाजर से। अभी फिर से चलना चलना चलना, टैक्सी ने पीछे ही उतार दिया हमको, अब हम बस फिर से चल रहे हैं और चलते ही जा रहे हैं। मुझे लग रहा है मेरा कुछ 5-6 किलो वजन कम हो जाएगा, अच्छा है मोटी हो गई थी मैं लॉकडाउन में। हाँ बड़ी मोटी हो गई थी, अब तो चलना पड़ रहा है ना, अब तो मैं रास्ता ही नहीं मैं देख रही हूँ। अब तो मम्मी कह रही है मैं दोबारा नहीं आऊँगी, ऐसे ही लेके आयो तो रास्ता ही नहीं देख रही। सीढ़ियाँ चलना चलना, पहले वैष्णो देवी नहीं गई थी ये बोल के कि चलना पड़ेगा, मैं नहीं जाती, यहाँ पे इतना चलवा दिया। एक मंदिर दिख तो रहा है यहाँ पे दर्शन, पर यहाँ पे आरती नहीं हो रही है, 22 तक लॉकडाउन है, 22 के बाद ही पता चलेगा खुलता है या नहीं खुलता है। अभी राम झूला कितनी दूर है पता नहीं, ये हमारे ब्रेव अंकल है। मैं तो गाय कि भाई दूर दूर भाग जाती हूँ फिर सींग मार दे, ये कह रहे कि मुझे कुछ नहीं कहती गाय, भाई मेरे को डर लगता है मैं नहीं आऊँगी पास। नो नो नो, मैं नहीं आऊँगी, पूरे रास्ते में गाय और मुझे बहुत डर लगता है। राम झूला भी कुछ कुछ लक्ष्मण झूला जैसा ही है, अब ऊपर चढ़ के देखते हैं ये हिलता है या नहीं। मैं कभी नहीं आई राम झूला, आप आए राम झूला? लक्ष्मण झूला से राम झूला, राम झूला भी पहुंच गए इतनी दूर, पर बारिश नहीं रुकी, पूरा दिन बारिश में ही हम लोग नहा रहे हैं। ये देखो इसको ज्यादा बारिश लग रही है। हमें आदत है मजे लेने की, इन लोगों को आदत नहीं है। ये है राम झूला जो तिरंगे की तरह क्यों बना हुआ है, मतलब ऐसे लग रहा है इंडिया का झंडा, फ्लैग वाली फीलिंग आ रही है। बहुत तेज बारिश आ रही है और ये भी थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, और मौसम इतना ठंडा नहीं है जितना लग रहा है। ओह बहुत मजा आ रहा है, दिख रहे थे वहाँ पे। अब यहाँ पे बीच बीच में इतने सारे क्रैक्स हैं, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है और ये हिल रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि फटाफट भाग के उस साइड चले जाओ और थोड़ा बच जाओगे शायद से, इतनी तेज बारिश इतना तेज बहाव, ऊपर से ये हिल भी रहा है। हमारा हाल देख रहे हो, हम बारिश में भीगते भीगते जा रहे हैं, इतनी तेज बारिश हो रही है यहाँ पे, ऊपर से गंगा का बहाव भी है और राम झूला पे तो व्हीकल्स भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं और ये हिल भी रहा है ऐसे ऐसे, मतलब पूरी अपनी जान को रिस्क पे लगा के हम लोग चल रहे हैं।
गंगा नीचे इतनी तेज बह रही है, वैसे भी बहुत तेज बहती है गंगा तो, पर अभी बारिश की वजह से ज्यादा तेज हो रखा है, पर और लॉकडाउन भी है, लॉकडाउन की वजह से सब बंद है। बस मौसम के मजे लो, जिसको मौसम के मजे लेने हैं वही आना और कोई मत आना यहाँ पे। शेड के नीचे रुक गए हैं, इतनी तेज बारिश हो रही है, कहीं जाने का कुछ नहीं है, बारिश में रुके ना शेड के नीचे, और चारी इतना सारा तंग कर रही है। क्या क्या सोचा था, रिवर राफ्टिंग करेंगे, रॉक क्लाइंबिंग करेंगे, मुझे तो पता नहीं क्या क्या सोच के आए थे, और हम यहाँ बैठ के शेड के नीचे ये खा रहे कॉटन कैंडी, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है, हम लोग पूरा भीग चुके हैं, इसलिए अभी इंतजार कर रहे हैं बारिश खत्म होने का। और ये मैडम गाड़ी की तरह चला रही है। लौट के बुद्धू घर को आए, सब भीग चुके हैं, बहुत ज़्यादा गीले, होटल में से अब गाड़ी उठा के हम लोग चलते हैं हरिद्वार, कपड़े चेंज करने की नीड तो है पर जगह नहीं है, बच्चों की कर देंगे, हाँ बच्चों की तो करने पड़ेंगे, ठंड लग जाएगी, अब सीधा मिलेंगे हरिद्वार, पता नहीं वहाँ पे भी खुला है या 22 तक है, वहाँ जाके ही पता चलेगा, अगर कुछ भी नहीं खुला होगा तो हम सीधा जाएंगे अपने घर। चलो अब हेड टू हरिद्वार, पागल बन के पागल बन गए हम लोग, अब हरिद्वार जाके पागल बनते हैं, फिर गुड़गांव आके पागल, फिर गुड़गांव जाके पागल बनेंगे, सबकी गालियां सुनेंगे, गाय क्यों चाहे पागल नहीं बने, वैसे मजे पूरे लिए हमने, बारिश हुई है और बस थोड़ा सा एडवेंचरस एक्टिविटीज रह गई हमारी, राफ्टिंग रह गई और हमारा मम्मी की आरती रह गई, बस ये कुछ चीजें रह गई, बाकी बहुत मजे किए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हरिद्वार चलते हैं, हरिद्वार की पार्किंग तक आके हम वापस जा रहे हैं, गंदा पानी है, ऐसा हमारे साथ धोखा हो रहा है हर जगह, और बारिश है, घुमसो भी कितना घुमसो, बारिश पानी साफ नहीं है, गाड़ी अंदर नहीं जा रही, तो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम सीधा घर चलते हैं, दूर से देख लिया हरिद्वार, किस्मत में ही नहीं होगा, जाती बार भी नहीं जा पाए और आती बार भी नहीं जा पाए, पक्का फाइनल ले लूं किसी बिना बारिश वाले मौसम में, मन नहीं रुको, मैं को कोई दिक्कत फिर देखेंगे, लेकिन वो सामान चाह के क्या करते हैं। हां चलो, बहुत देर के बाद रास्ते में टाइम मिला है पेट पूजा करने का, हालत मेरी फिर से बुरी हो रही है, मैं इसलिए अपना फेस नहीं दिखाऊंगी, मुझे गाड़ी में फिर से दिक्कत होने लगी है, अभी हम लोग ऑलरेडी 3 आवर्स का ट्रैवल करके आए हैं, लेट्स सी क्या खाते हैं, कितना रिलैक्स मिलता है यहाँ पे, वैसे रेस्टोरेंट्स तो काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, लेट्स सी, एक ये मैडम, इनके कपड़े गंदे हो रहे हैं क्योंकि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं विदाउट चेंजिंग आर क्लोथ्स, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पहुँच चुके हैं और अभी भी हम लोग गीले हैं, बिकॉज हमें सीधा घर जाना था, अब देखो क्या मिलता है, वैसे व्यू यहाँ का भी अच्छा है, पता नहीं सही लग रही हूँ बुरी लग रही हूँ जो भी लग रही हूँ, ये चेरी तो हमें जीने नहीं देगी, कह रही है मुझे झूले खिलाओ नहीं तो मैं घर नहीं जाऊँगी, ये झूले हैं, ये चेरी वेट कर रही है, पीछे बादल बहुत अच्छे लग रहे हैं, पता नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स हैं, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मतलब घर जाके बस सोना चाहते हैं, कब घर पहुँचेंगे, कब सोएंगे, कुछ खाते हैं और फिर निकलते हैं, ये वॉशरूम भी है, बेटा कुछ भी तेज़ में कहीं मजा आ रहा है, धीरे धीरे कर, आराम से चल रहा है, आराम से हो रहा है, आराम से हो रहा है, देखो बहुत आराम से, देखो देखो कितने से अधिक क्या खा
है, चिकन खा रही है, चिकन ऐसे पकड़ के खींच खींच के चिकन खा रहा है। ओए होए, चिकन की दीवानी, इसमें भी चिकन ढूंढ रही है। चेरी रुक जा, चेरी 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 रुक जा, यहाँ पे खाना खाने आया, खेलने नहीं। पेट वेट भर गया, मेरा तो पेट फटने वाला है ऐसा फील आ रहा है मुझे, पर जगह अच्छी थी, सारी चीजें हैं यहाँ पे, रास्ते में रुकने के लिए काफी अच्छी जगह है। सो गाइस, कैसा लगा हमारा ट्रिप? आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, हम लोगों ने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। बट हाँ, इतना एक्साइटिंग नहीं था क्योंकि वहाँ पे लॉकडाउन था और हम लोगों को ऐसा नहीं पता था। हम लोग नैनीताल इस वजह से नहीं गए थे क्योंकि हमें किसी ने बताया था कि वहाँ पे लॉकडाउन है, मतलब 7 बजे के बाद वहाँ पे पूरा कर्फ्यू लग जाता है और वहाँ पे आप घूम नहीं सकते, तो इस वजह से हम लोग मसूरी गए थे। लेकिन वहाँ पे भी हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई लॉकडाउन की वजह से, हम लोग ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पाए, तो इसलिए भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले अगर आप प्लान कर रहे हैं उत्तराखंड जाने का, तो अपनी RT-PCR रिपोर्ट रेडी रखें, वो भी 1 या 2 दिन पुरानी, ज़्यादा दिन पुरानी नहीं। और उसके बाद अगर आपने रिपोर्ट रेडी कर ली है तो उसके बाद आपको कराना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यस, जो कि ट्रैवलिंग साइट पे जाके हो सकता है इजीली। अगर आप ऑनलाइन करा लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको लाइन में लगने पड़ेगा, वहाँ पे 2-3 घंटे वेट करना पड़ेगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा आपको और हर जगह वहाँ पे रोका जाएगा, होटल्स में पूछा जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप ये दोनों चीज़ें रेडी करके पहले से ही जाएँ ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। वैसे तो आप हिमाचल जा सकते हैं, बट हिमाचल में हम लोग इस वजह से नहीं गए क्योंकि वो खुला है, वहाँ पे कोई नहीं पूछ रहा है, तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। इस वजह से हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग उत्तराखंड जाएं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भीड़ ना मिले, आप लोग एंजॉय कर सकें, क्योंकि वेदर काफ़ी अच्छा था, सीरियसली मतलब इतना अच्छा वेदर था। आप लोग अगर सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं कि हम लोग व्यू देखना चाहते हैं और सिर्फ बैठना चाहते हैं और मज़े लेना चाहते हैं, तो आप ज़रूर जाएं, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप ऋषिकेश हरिद्वार जाना चाहते हैं मंदिर के लिए, रिलीजियस पर्पज़ के लिए, तो प्लीज़ मत जाओ, क्योंकि मेरी मम्मी सैड होकर वापस आई है बिकॉज उनको वहाँ पे मंदिर जाना था, आरती अटेंड करनी थी, बट सब फेल। वहाँ पे मनसा देवी नहीं जा पाए बिकॉज ट्रैवलिंग के जो थे आप उड़न खटोला सब बंद है, आप लोग नहीं चढ़ सकते हैं, जैसे मेरी मम्मी जैसे लोग नहीं जा सकते हैं। हम लोग जा सकते हैं पैदल, बट वो लोग, अगर आपके साथ ऐसा कोई है जो पैदल नहीं चल सकता है, तो अभी इस ट्रिप को थोड़ा सा डिले कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। और बाकी हमारे ट्रिप में काफ़ी अच्छी यादें, बुरी यादें, बहुत कुछ था, जैसे कि हम थोड़ी देर के लिए चेरी हमसे इधर उधर हो गई थी होटल में, तो हम लोग बहुत परेशान हो रहे थे, हालांकि वो पास में ही थी, बट फिर भी पता है कितना ऐसा डर लगता है। मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि इतना ज़्यादा डर गए थे हम लोग कि कहाँ गई चेरी, बट अच्छी बात है कि वो हमें पास ही मिल गई, मतलब दूसरे रूम में थी वो। और बाकी मुझसे मेरे भाई का फ़ोन टूट गया, जो कि मतलब बहुत बुरी बात है, बट चलो जो होना होता है वो तो होता ही है। और मेरी मम्मी दर्शन नहीं कर पाई हैं और हम लोग वो एडवेंचरस एक्टिविटीज़ नहीं कर पाए हैं, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने मिस की हैं। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं जल्दी से नेक्स्ट ट्रिप ताकि हम लोग ये सारी चीज़ें कर पाएँ, लेकिन लॉकडाउन के बाद, क्योंकि अभी जाने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हाँ वेदर इन्जॉय करना है तो हम ज़रूर जाएंगे, बट हम वेदर इन्जॉय करके आए हैं, काफ़ी अच्छा था। तो आप लोग भी अपने माइंड में ये सारे पॉइंट्स रखना, आप लोग वेदर इन्जॉय करना चाहते हैं, आप लोग एडवेंचर एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, या आप लोग रिलीजियस पर्पज़ से कहीं जाना चाहते हैं, तो इन सब पॉइंट्स को माइंड में रखिएगा और अपनी रिपोर्ट रेडी रखिएगा। और हाँ, हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद ये सब चेंजेस हो जाएँ, तो ये सब पता करके आप फिर जाना और फिर आप काफ़ी मज़े करोगे। हम लोग करके आए हैं मज़े और अगले ट्रिप में भी मज़े ही करेंगे, तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रिप हमारा कब बनता है। तब तक के लिए